अशिला प्रभुपाद जी हमें तीन प्रकार के कर्मों के विषय में बताएंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो अशिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कार्य किसी के नियत कर्तव्य के रूप में शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। यानी कौन से कार्य? जो कार्य किसी के नियत कर्तव्य है। कर्तव्य, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, माता का क्या कर्तव्य है, वैश्य का और शूद्र का, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यासी, ग्रस्त, सबके जो कर्तव्य जो बताए गए हैं उसके लिए वो उसके कर्म कहलाते हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। और जो कर्म मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। वही कार्य जो कि कर्म है उन्हीं को हम, जैसे बताया गया, उन्हीं को हम यदि भगवान के निमित्त करते हैं, भगवान की प्रसन्नता को केंद्रित करके करते हैं तो वही कार्य अकर्म बनते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म हैं। अब यहाँ पर तीन प्रकार के कर्मों को पढ़ा, एक कर्म है जो नियत कर दिए गए हैं, एक अकर्म है जो कर्म बंधन से छुड़ा देते हैं, और एक विकर्म है जो कि शास्त्रों में जो लिखा गया है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने कहा जो हमें अपनी स्वतंत्रता दी गई है उसका दुरुपयोग करके, शास्त्रों की अवहेलना करके जो हम कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? विकर्म करते हैं।